इसमें कुछ मैं नया नहीं बता रहा। सन 78 से लेके आज 2013 तक मुझे ब्रज 84 कोस की यात्रा करने का शौक है। चूंकि मैंने जन्म के साथ बच्चापन से यजमान वृत्ति के होने के कारण इस ब्रज 84 कोस को जाना पड़ा और इसी में रुचि बढ़ने के साथ मैं पढ़ न सका जितना कि मुझे पढ़ना था। और मैं ब्रज 84 प्रिंट मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक बिलोंग करके और ये ब्रज84.com तक पहुंचा। ब्रज84.com बनाने के बाद जीवन में सिवाय इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये किस तरीके से इसकी रख रखाव, किस तरीके से कोई ये समझेगा, कोई किसी होटल के गार्डन में हम आए हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नंदगाम की वीडियोज है। नंदगाम में बिंदा कुंड है, बिंदा शक्ति के दर्शन है, जिसे गुप्त और बिंदा कुंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में इसे बृंदा देवी के नाम से जानते हैं। वृंदावन सो बन नहीं और नंदगाम सो काम, बंसी वट सो वट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम। ये सारी जितनी भी पौधा आप देख रहे हैं ग्रीनरी, ये मेहंदी और इसके अंदर तुलसा जी कई प्रकार की है। काफी तुलसा जी की मात्रा जितनी इस कुंड पे देखने को मिलती है, ऐसी पहले कभी बहुत जगह मिलती थी लेकिन अब इतनी नहीं है। हमारा ये सब चीज़ों का चर्चा करने का मतलब ही सिर्फ इतना था, क्या जब हमने ब्रज 84 कोस यात्रा का सार समझा तो उसके बाद में हमने ये एम सोचा अपना कि ब्रज 84 कोस की यात्रा के लिए दुनिया के श्रद्धालु यहाँ आते हैं और हम इन तीर्थों को लुप्त होते हुए देख रहे हैं। क्योंकि हमारा ही वर्क ऐसा है कि हम एक जीवात्मा को परमात्मा की आत्मा से इंट्रोडक्शन कराते हैं, ये हमारा प्रोफेशन है। हम ब्रज 84 कोस के तीर्थ गौर हैं, तीर्थ पुरोहित हैं। और जिसकी कोई चीज नष्ट होती है उसे थोड़ी पीड़ा तो होती ही है। ये देखिए, उस में बिंदा देवी जी मंदिर में बैठी हैं जिसके मैंने आपको फोटो दी है, और ये उसका बाग बगीचा है, वो तुलसी जी तो ये गुलाब। यहाँ बंगाली लोग ज्यादा आते हैं, यहाँ यात्रा नायक भी नहीं आते हैं, यहाँ इस्कॉन वाले आते हैं। ब्रज84कोस.com यही तो चाहता है कि ब्रज84कोस के सभी तीर्थ अगर इसी तरीके से बने हुए हों तो कितना अच्छा लगेगा। जिस तरीके से इनके चारों तरफ हरियाली है, इसी तरीके से पैदल चलने वाले यात्री के लिए वो रास्ता होनी चाहिए, पालों के स्थाई मुकाम होने चाहिए। ये बृंदा देवी, बृंदा कुंड, नंदगांव।